है। क्या आप जानते हैं फूड क्रेविंग क्या होता है? फूड क्रेविंग का मतलब होता है इंटेंस डिजायर टू ईट अ पर्टिकुलर फूड। दरअसल कभी कभी हमें एक स्पेसिफिक फूड को खाने के लिए तीव्र इच्छा होती है और कई लोगों में ये टेंडेंसी अधिक होती है। फूड क्रेविंग उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होता है जो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं या जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। तब वे फूड क्रेविंग के सामने सर झुका देते हैं, फिर जो वो खाना चाहते हैं उसे वो खाते हैं। दरअसल फूड क्रेविंग का संबंध हमारे ब्रेन से है। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमें मेमोरी, रिवॉर्ड और प्लेजर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हीं सेंटर से एसोसिएटेड है फूड क्रेविंग की फीलिंग। तो जब फूड क्रेविंग होती है, वैसे में जिस फूड के लिए क्रेविंग हो रही है वो फूड मिलने पर ब्रेन को प्लेजर का अनुभव होता है, तो वैसे में वो अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करता है और उन्हीं केमिकल्स के प्रभाव में हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर फूड के लिए एडिक्ट हो जाती है। और यह देखा गया है कि लेप्टिन और सेरोटोनिन के इंबैलेंस के कारण भी फूड क्रेविंग होती है। कई बार फूड क्रेविंग का संबंध व्यक्ति के इमोशन से भी होता है। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जब आपको किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे में कई बार व्यक्ति को अधिक भूख लगती है और पर्टिकुलर टाइप के फूड खाने की इच्छा भी होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी फूड क्रेविंग होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में भी हार्मोनल इंबैलेंस हो चुका होता है, जिसके चलते टेस्ट बर्ड अलग प्रकार से रिएक्ट करती है, तो एक पर्टिकुलर फूड को खाने की इच्छा उनके अंदर आती है। कई बार फूड क्रेविंग का संबंध एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से भी होता है। जब बॉडी में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम हो रहे होते हैं, तो वैसे में बॉडी इस प्रकार से रिएक्ट करती है कि व्यक्ति को उस प्रकार के फूड को खाने की इच्छा करती है जिसके खाने से वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को बॉडी पूरा कर सके। फूड क्रेविंग का संबंध स्ट्रेस लेवल से भी होता है। जब आप अधिक तनाव में होते हैं तब फूड क्रेविंग बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि फूड क्रेविंग से निपटने के तरीके क्या है। तो नंबर एक, फूड क्रेविंग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, तनाव को कम कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने पर कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जितना अधिक आप पानी पियेंगे उतना फूड क्रेविंग आपको कम होगा। प्रॉपर हाइड्रेटेड बॉडी में फूड क्रेविंग की पॉसिबिलिटीज कम होती है। फूड रिसर्च बतलाती है कि प्रोटीन रिच डाइट लेने पर फूड क्रेविंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि च्युइंगम को खाने से फूड क्रेविंग कम होता है। यदि आपको फूड क्रेविंग की इच्छा हो रही होती है, वैसे में यदि आप च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं तो फूड क्रेविंग कम हो जाता है। पर एक बात याद रखिए, फूड क्रेविंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना भी ठीक नहीं है। यदि आपको फूड क्रेविंग होती है और वो फूड जिसे आप खाना चाहते हैं वो आपके आसपास अवेलेबल है, तो याद रखिएगा सीमित मात्रा में उस फूड को लीजिए ताकि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और आपकी हेल्थ पर उसका एडवर्स असर भी ना हो। और डार्क चॉकलेट भी फूड क्रेविंग को कम करने में हेल्प करती है, तो एंजॉय चॉकलेट्स।